हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी मिष्टी दही की रेसिपी। दही तो आपने बहुत सारी खाई होगी, एक बार आप मिष्टी दही घर पे बना के खाएं आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जब भी हम मिष्टी दही खाते हैं तो हम बाहर से लाते हैं, क्यों ना आज घर पे ट्राई किया जाए। बहुत ही अच्छा, एकदम बहुत ही लाजवाब दही बन के तैयार होती है। ये बंगाल की बहुत ही फेमस डिश है, तो चलिए आज हम भी बनाते हैं मिष्टी दही, वो भी सर्दियों के समय, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैंने गैस ऑन करके 1 लीटर दूध ले लिया है। ये फुल क्रीम दूध है, इसमें बहुत ही गाढ़े दूध की ज़रूरत होती है, तो जैसे फुल क्रीम दूध थोड़ा ठीक होता है, तो हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है। इसको हमें पकाना है धीमी आँच पे, इसमें मलाई नहीं जमे, इस तरह से पकाना है और दूध को कम करना है। मैंने 1 कप से भी दूध को मेजर किया था, जैसे मैंने 5 कप दूध लिया है तो वो दूध को मैं 4 कप करूँगी तो वो दूध थोड़ा ठीक हो जाएगा। आप भी इस तरह से, अगर लीटर में नहीं है तो आप कोई जैसे दूध रखा है उसमें अगर बनाते हैं, 1 लीटर दूध है तो आप उसको 800 ml में चेंज कर लीजिए, तो बहुत ही अच्छा थिक और दही बनती है, स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। आप लगातार चलाते रहिए, अगर आप पास में हैं तो थोड़ा सा हाई फ्लेम भी करके लगातार चलाएंगे तो जल्दी दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अब थोड़ा सा दूध रिड्यूस होने के बाद मैंने 150 ग्राम चीनी लिया था, जिसमें आधा चीनी मैं अभी यूज कर रही हूँ, आधा चीनी हम बाद में यूज करेंगे। लगातार चलाते रहिए कि चीनी मेल्ट हो जाए जल्दी। आप अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो चीनी की क्वांटिटी थोड़ा ऊपर या थोड़ा मतलब नीचे भी कर सकते हैं, जैसे ज़्यादा खाते तो थोड़ा ज़्यादा, कम खाते तो थोड़ा कम भी चीनी कर सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिष्टी दही मीठा ही अच्छा लगता है। तो देखिए दूध भी हमारी थोड़ी ठीक हो गई है, तो अब इस स्टेज में मैं गैस को बंद कर देती हूँ और दूध को एक साइड रख देते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें जो चीनी बचा हुआ था वो रख लेंगे। इसको हमें भुनना है क्योंकि हमें इसका कलर चेंज करना है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लेंगे। अगर ज़्यादा मोटा दाना वाला चीनी है तो आप वहाँ पे 1 चम्मच पानी ले लीजिए, क्योंकि चीनी जल्दी मेल्ट हो जाए। ये थोड़ी बारीक चीनी थी तो मैं पानी नहीं ले रही हूँ, ऐसे ही भूनूंगी तो कलर भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए बहुत जल्दी ही चेंज हो जाता है चीनी। अगर जल्दी मेल्ट ना हो तो आप परेशान मत हो ना, वहाँ पे आप 1 चम्मच पानी ले लेना, जिससे वो जल्दी ही मेल्ट हो जाएगा। अब इसको हमें लगातार चलाते रहना है इस तरह से। देखिए हल्का कलर अब चेंज होने लगा है, तो इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। एकदम से हमें ठीक भी नहीं करना, नहीं तो वो पत्थर की तरह जम जाएगा, फिर जब हम इसको दूध में मिलाएंगे तो वो मिलेगा नहीं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, धीमी आँच ही रखिए, क्योंकि धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने दें, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर कुछ अच्छा खाना है तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है हमें। तो आप इस तरह से इसको लगातार चलाते रहिए, थोड़ी देर में ही चेंज हो जाएगा। मिष्टी दही बहुत ही अच्छा लगता है, पश्चिम बंगाल में बहुत ही मतलब बड़ी चाव से लोग खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं तो मार्केट से मंगा के खाते हैं। यकीन मानिए मैंने जब पहली बार बनाया तो बहुत ही इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए कलर अब बहुत ही चेंज हो गया है। चीनी की जगह पर आप देसी खांड भी ले सकते हैं, जो गुड़ की तरह होता है, वो बहुत ही हेल्दी होता है और उससे भी मिष्टी दही बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये देखिए बनके तैयार हो गया है। इस स्टेज पे अब मैं जो दूध गाढ़ा की थी उसमें से आधा कटोरी दूध ले ली हूँ, गैस पे ही मिलाएंगे तो ये जल्दी से दूध में मिल जाता, नहीं तो ये जमने लगता है। दूध कम लगे तो थोड़ा सा दूध और रख लेते हैं, फिर इसको और अच्छे से मिला लेंगे, नहीं तो जब हम दही जमाते हैं तो ये चीनी जब डालेंगे तो वो गाढ़ी सी जमी रह जाएगी। तो देखिए तैयार हो गया। अब हमने जो कढ़ाई में रखा था सबको हम इस दूध के अंदर मिला लेंगे, दूध भी थोड़ा ठंडा हो गया था, सभी को रख लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब हम कढ़ाई में रख के मिला लेते तो इतनी परेशानी नहीं होती, बहुत ही जल्दी मिल जाता है। अब हम 2 चम्मच दही लिए, जब भी आप दही लें तो ये पैकेट वाली दही ना लें, जो घर में जो जमाते हैं वही दही यूज करें, उससे अच्छा दही बनेगा। तो इस तरह से जो हमने चीनी मिलाया था उससे लेके हम इसको अच्छा से घोल बना लेंगे। अब हम इसको मिला देते हैं उसमें। दूध ध्यान रखिए, अगर दूध ज़्यादा ठंडा हो गया तो थोड़ा सा गर्म कर ले, क्योंकि सर्दियाँ का समय चल रहा है तो दूध थोड़ा गर्म ही रहेगा तो दही अच्छे से जमती है। मैंने एक विस्कर ले लिया, उससे अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि दही कभी कभी अच्छे से नहीं मिलता है तो इस तरह से मिलाने पर अच्छे से वो मिल जाता है। तो अब ये देखिए हो गया है, इसमें अब बिल्कुल दाने नहीं दिख रहे हैं दही के। अब मैं 3 कप ले रही हूँ, इसमें हम जो मिलाए हैं उसको रख लेंगे, अच्छे से ऊपर की तरफ से रखें, इसमें झाग आए तो दही बहुत ही अच्छी जमेगी।
इसी तरह के कप मिट्टी के भी आते हैं। मिट्टी के बर्तन में भी दही बहुत ही अच्छे से जमती है और उसका स्वाद बहुत ही अलग होता है। अगर आपके पास मिट्टी के बर्तन है तो आप उसी में जमाएं। और एक और बच गया है तो मैं उसमें भी डाल देती हूँ। अब इसको हम जमाएं कैसे, क्योंकि सर्दियों का समय चल रहा है तो जमाने में थोड़ा मुश्किल आती है। तो हम कैसरोल ले लिए हैं, जैसे हम रोटी रखते हैं वो वाला बर्तन, और इसके अंदर हम ये चारों कप को रख देंगे और इसको बंद कर देंगे। फिर भी सर्दी है, जल्दी नहीं जमेगी, तो हम क्या करते हैं, एक चादर ले लेते हैं। मैंने एक चादर के ऊपर इसको रख दिया है और इसको अच्छे से ढक के सारी रात छोड़ देंगे। तो जब हम सुबह देखेंगे तो दही अच्छे से जम जाती है। इस समय, क्योंकि इस समय बहुत ही सर्दियाँ चल रही है, दूध दही जब गर्म टेम्परेचर में ही दही बनती है, तो इस तरह से आप ढक जरूर दें। तो चलिए सुबह चेक करते हैं। तो ये देखिए दही जम के तैयार हो गई है पूरी तरह से, बहुत ही अच्छे से दही जम गया है, है ना। बहुत ही आसान सा तरीका सर्दियों में दही जमाने का। आप ज़रूर इस तरह से जमा के देखें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि दही जम गई है। नहीं तो कभी कभी सर्दियों के समय हम जमाते हैं तो बहुत निराश होना पड़ता है। देखिए एकदम दानेदार जैसा लग रहा है दही, क्योंकि दूध भी ठीक हो गया था, एकदम खोए की तरह ये दही लगता है। आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।